हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मेनहोल और जीटी के बारे में कि आखिर मेनहोल क्या होता है और जीटी क्या होता है। जैसे इमेज में आपको ये दो गड्ढे दिख रहे हैं, एक तो बड़ा गड्ढा दिख रहा है आपको और एक छोटा गड्ढा दिख रहा है। बड़े गड्ढे को बोलते हैं मेनहोल और छोटे गड्ढे को बोलते हैं जीटी यानी गली ट्रैप। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि मेन होल क्या होता है और जीटी क्या होता है। देखो, मेन होल के बारे में काफ़ी लोग ऐसे जानते ही होंगे, सबके घर में बने होते हैं। एक चैम्बर होता है जिसमें सब पाइप पड़े होते हैं, दूसरे जगह का वेस्ट जो पानी होता है वो दूसरे चैम्बर में आता है, फिर वहाँ से ट्रांसफर होता है दूसरी जगह। तो ये आपके जनरली आपने देखा होगा, इस तरह सबके घर में होता ही है। लेकिन जीटी में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते होंगे कि जीटी आखिर क्यों बनती है, भाई छोटा गड्ढा बनाने की क्या जरूरत है, इसका क्या यूज़ है। तो काफ़ी लोग जानते होंगे, जो जानते हो भाई वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, जो नहीं आते हैं वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले जीटी के ऊपर कि जीटी आखिर होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि जैसे आप अपने बाथरूम में नहाते हैं, वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं या फिर सिंक का जो वेस्ट पानी होता है वो पानी सबसे पहले कहाँ जाता है, आपके जीटी में यानी छोटे वाले गड्ढे में। फिर जब पानी आपका जीटी में गया, छोटे वाले गड्ढे में गया, तो वहाँ से पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही आगे, तो वो कहाँ आता है, मेन होल में यानी बड़े वाले गड्ढे में, जो आगे ये दिख रहा है बड़ा वाला गड्ढा, इसमें आता है। अब यहाँ पे जिनको नहीं पता हुआ वो लोग पूछेंगे यार जीटी फिर देने का फायदा क्या हुआ, जब पानी ही जाना है मेन होल में जाना, सीधे मेन होल में कनेक्ट कर दो। तो देखो इसका रीज़न कुछ इसका रीज़न ये है जीटी बनाने का कि जब आप पानी उसमें जाता है जीटी में, तो जीटी में एक पी ट्रैप लगा होता है। पी ट्रैप मतलब एक तरह से पी शेप में एक पाइप होता है, जिसको आप नॉर्मल समझना हो तो पी शेप में एक पाइप होना जैसे आपको दिख रहा है, इसको ट्रैप पी ट्रैप बोलते हैं। ये लगा होता है गड्ढे के नीचे जस्ट। तो जब पानी आपका आपने जब नहाया धोया तो उसका जो पानी है जीटी में आया, तो जीटी से होते हुए पानी बहता है मेन होल में जाता है। तो जब आपने नहाना बंद कर दिया तो लास्ट जो पानी बचता है वो जीटी में जो पी ट्रैप लगा होता है उसके अंदर हल्का सा स्टोर हो जाता है, जो पी शेप में बना होता है इसमें स्टोर हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, कई जगह नहीं देखा होगा आपने, कि आपके किचन या आपके बाथरूम में स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, आपको लगता है टॉयलेट की कोई स्मेल आ रही है या फिर कोई वैसी स्मेल आ रही है, नाली टाइप की स्मेल आ रही है। तो उसका रीज़न ये होता है कि लोग जीटी में मेन पी ट्रैप या फिर कोई भी ट्रैप नहीं लगाते हैं, खाली कंटिन्यू एक पानी लगा वो पाइप लगा देते हैं, सॉरी पाइप डाल देते हैं कि जीटी में जो पानी आया वो तुरंत ट्रांसफर हो गया मेन होल में। इससे क्या हुआ कि जैसे इन केस कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि डेली होता हो, कभी कभार क्या एयर मान लीजिए चली तो आपकी पाइप से होते हुए मेन होल में गई, मेन होल की गंदगी जो स्मेल होती है वो आपके जीटी से होते हुए आपके बाथरूम या किचन जहाँ भी होगा वहाँ पे स्मेल जाती है। उससे क्या हुआ, वहाँ पे आपके बाथरूम में या किचन में स्मेल बैड स्मेल आ जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जब पी ट्रैप लगा होता है तो यहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी जब भरा रहेगा तो सिंपल सी बात है कोई भी स्मेल आएगी तो मेन होल तक आ गई, मेन होल से रिवर्स स्मेल आपकी जीटी से होते हुए नहीं जाएगी, मेन होल में वो स्मेल रहती जाएगी और अपने आप फिर बाहर निकल जाएगी वो स्मेल, ठीक है। मतलब आपके बाथरूम तक स्मेल नहीं आ पाएगी इस पी ट्रैप की वजह से, इसमें पानी भरा रहेगा इसलिए वो स्मेल यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाती है ऊपर तक, ठीक। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आप कभी कभार होता है कि आपके बाथरूम में जाली नहीं लगी हुई है, आप ऐसे नॉर्मल पानी यूज करें, जाली आपने ध्यान नहीं लगाया, लापरवाही कर दिया, तो उस केस में क्या है, शैम्पू के जो पाउच होते हैं छोटे छोटे वो पाउच हैं, आपके सिर के बाल हैं तो साबुन के साथ एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, पाइप में कभी कभार जाम हो जाता है, नहीं तो आके जीटी में वो जो है इकट्ठा हो जाता है। तो उस केस में आप जीटी से वो मेन होल में ना जाए, वहीं से आप गंदगी साफ़ कर लें। तो जीटी से आपके छोटे वाले गड्ढे को खोला आपने, जो भी गंदगी होगी वो आप गंदगी आपने वहाँ से निकाल ली और हटा दी, मेन होल तक आपको जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेन होल सबसे गंदा पोर्शन होता है। तो मेन होल आप तो नॉर्मल कुछ कर नहीं पाएंगे, प्लम्बर ही आपका आएगा, वही खोलेगा, वही साफ़ करेगा। लेकिन जीटी क्या है, नॉर्मली कोई भी आपका जो सर्वेंट होगा या फिर कोई भी अपने घर का साफ करवा सकता है, फिर साफ खुद कर सकता है। कि थोड़ा सा मेन होल से कंपेयर किया जाए तो जीटी आपकी काफ़ी साफ जगह होती है, खाली उसमें गंदा पानी ही आता है। और ये छोटे छोटे बाल आ गए या फिर आपके शैम्पू के पाउच आ गए या फिर खाने पीने के जो वेस्ट होता है, थोड़ा जो खाना होता है वेस्ट खाना होता है वो थोड़ा बह के आ गया, तो ये यही सब चीज़ें गंदगी इसमें आती हैं। तो यहाँ से आसानी से साफ हो सके और आपकी बैड स्मेल रिवर्स आपके बाथरूम या किचन में न जाए, इसलिए यहाँ पे जीटी बनाया जाता है और इसमें पी ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन होल में, तो मेन होल का क्या काम होता है।
देखिए मेनहोल के कई सारे काम हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि अभी क्या जीटी बनने के बाद मेनहोल का क्या काम होगा। जीटी का जो पानी आपका जाएगा सीधे मेनहोल में, लेकिन जीटी में कौन कौन से पानी आ रहे थे ये आप पहले ध्यान करिए। जीटी में आप रेन वाटर का पानी डाल सकते हैं जो बारिश का पानी होता है, ठीक। आप नहाने का पानी यूज कर सकते हैं, वॉश बेसिन का पानी यूज कर सकते हैं, किचन का पानी यूज कर सकते हैं, ये आपके जीटी में होते हुए तब आपके मेनहोल में जाएंगे। लेकिन जीटी में कभी आपके टॉयलेट यानी आपकी सीट का पानी या फिर सीट का जो नंबर एक नंबर दो होता है, जो नंबर एक नंबर दो लोग करते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके जीटी में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आपके मेनहोल में आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मेनहोल ज़्यादा गंदा एरिया होता है अगर जीटी से कंपेयर करें, ठीक है। उसमें ज़्यादा गंदी स्मेल होती है क्योंकि नंबर एक नंबर दो का सीधे मटेरियल का कनेक्शन आपके मेनहोल से होता है। अब मेनहोल में आया वो, ठीक है, और फिर एक मेनहोल से दूसरे मेनहोल में ट्रांसफ़र होता है जो आगे होगा आपके, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, फिर आपका जो भी आप अगर सेप्टिक टैंक बनवाते हैं उसमें जाएगा, या फिर आपका जो अगर आपके कॉलोनी में सीवर लाइन पड़ी है तो उसमें सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है मेनहोल का काम, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेन वाटर बचाना होता है कि जो बारिश का पानी है वो नाली में ना जाए या फिर सीवर लाइन में ना जाए, तो वो लोग क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं अपने घर पे। और वैसे बनानी चाहिए, काफ़ी वैसे अच्छी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, मुश्किल से 10-12-15 हज़ार रुपये खर्चा आता है और आराम से बना रहे। तो कम से कम जो फालतू का वेस्ट पानी होता है आपके घर का और रेन वाटर का जो पानी आप लोग नालियों में या फिर सीवर लाइन में बहाते हैं, कम से कम वो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। और इसमें कोई ये नहीं कि आप सोचे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पूरा प्रोसेस वही करना चाहिए जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनता है, पूरी कैसे क्या ट्रिक होती है बनाने की, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल सा एक 3x3 या 4x4 फीट का गड्ढा बना लीजिए, जैसे मेनहोल का ये आपको गड्ढा दिख रहा है, ये छोटा 2x2 का गड्ढा है। अब लेकिन आप अगर कुछ पानी स्टोरेज नहीं करना पानी, बल्कि आपको ज़मीन के अंदर ले आना है भाई। ये तो टैंक है, तो है ये तो ऐसा है नहीं कि आप टैंक बना रहे हैं पानी स्टोर करना है, रेन वाटर का स्टोर नहीं करना है आपको, आपको खाली क्या है वो पानी बाहर नालियों में ना जाके आपके ज़मीन के अंदर चला जाए पानी। तो उसके लिए क्या है, आपने 4x4 का एक गड्ढा बना लिया, ईंटे बना लीजिए, इसमें आपने ऐसे बदरपुर डस्ट या मोरंग जो है ये डाल दिया, कोयला डाल दिया, ईंट के छोटे छोटे जो वेस्टेज मटेरियल होता वो डाल दिया आपने, ठीक है, छोटी सी पतली पतली 10 mm वाली 20 mm वाली गिट्टियाँ डाल दी आपने, बस ये डाल दो नॉर्मली और रेत डाल दो आप, तो काफ़ी जो खराब पानी भी वेस्ट का पानी होगा वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो फिल्टर होके साफ होके छन के अंदर चला जाता है। इसमें क्या होता है नॉर्मल बोरिंग होती है, कभी और लंबा टॉपिक है, मैं कभी मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग बनाते हैं उस केस में क्या होता है कि रेन वाटर का जो आपकी छत का पानी होता है उसके लिए मेनहोल का चैम्बर एक अलग से बनता है। अब जैसे यहाँ पे दो चैम्बर आप देख रहे हैं, है तो ऐसे जीटी से दोनों कनेक्ट हैं, लेकिन इसमें से एक चैम्बर आप चाहे रेन वाटर का भी अलग से बनवा सकते हैं। एक रेन वाटर का पानी आपका सीधे मेनहोल में आया, खाली वो रेन वाटर के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है वो मेनहोल, ऐसा नहीं कि उसमें कोई मेन आपके नॉर्मल वेस्ट का पानी आ रहा है, फिर आपका नंबर एक नंबर दो का पानी आ रहा है, आपका सीधे रेन वाटर का पानी आया, या फिर वेस्ट का भी पानी आप ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, सीधे रेन वाटर का ही लेते हैं। तो रेन वाटर या वेस्ट का पानी भी आप इसमें मेनहोल में ले गए, उससे आपने क्या किया, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पिट बना होगा उसमें आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेनहोल का एक यूज ये भी होता है। अब काफ़ी लोग इस केस में एक चीज़ और भी होती है, जिनके यहाँ सीवर लाइन होती है, तो सीवर लाइन में क्या होता है आप रेन वाटर की पानी डाल सकते हैं सेप्टिक, और वो अपना वेस्ट का पानी भी यूज कर सकते हैं, और अपना जो नंबर एक सीट का पानी मतलब नंबर एक नंबर दो का जो मटेरियल होता है उसका पानी वो वेस्ट आपका सीधे सीवर लाइन में जाता है, और रेन वाटर का भी पानी आपका सीवर लाइन में आता है। लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ कॉलोनी ऐसी है जिसके यहाँ सीवर लाइन नहीं बनी हुई है, सेप्टिक टैंक बनाना है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है, तो उस केस में क्या, अगर आप रेन वाटर और वेस्ट का पानी सेप्टिक टैंक में डालेंगे तो क्या है वो गड्ढा बहुत जल्दी भर जाएगा, 10-15-20 दिन में भर जाएगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। तो इस केस में लोग क्या करते हैं कि सेप्टिक टैंक में खाली अपना सीट का पानी ले आते हैं, वेस्ट मटेरियल नंबर एक नंबर दो का सीट का कनेक्शन मेन होल से होते हुए एक अलग से बनाते हैं कनेक्शन सेप्टिक टैंक में, कि जैसे मेन जो आपकी WC का जो वेस्ट मटेरियल है वो सीधे मेन होल में जाए, सेप्टिक टैंक में जाए, और आपका रेन वाटर का पानी और आपका नहाने धोने का पानी वो आपका नाली में जाए या फिर जो भी आपके यहाँ सुविधा हो वहाँ पर चला जाए, उसके लिए अलग से कनेक्शन करते हैं। तो देखो यही सब चीज़ें होती है, मेन होल और GT का यही यूज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करें और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं।
और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।